नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम आलोक पर। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लगातार आपके लिए नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। देखिए, हम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे किसी विषय के व्यू कितने हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आपको नए नए चीजें यदि हम ये सोच के देंगे कि व्यू नहीं बढ़ रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर हम आपको विविध विषय पर कुछ बोल ही नहीं पाए। हमने कहा था कि हम तो एक मार्गदर्शक की तरह आपके साथ जुड़े हैं, और कभी कभी आपके साथ सूचनाकर्ता की तरह कि ये जानकारी आपको है तो आप स्वयं को काम कर सकते हैं, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। व्यूज की हम परवाह नहीं करते, और आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारा एक ऐसा ही वीडियो है जिसके अनुरोध हमारे पास कम आते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यदि मेरे देश के अन्नदाता को फायदा होता है, एक किसान को भी फायदा होता है, तो मैं इसे जरूर बताऊंगा। यह है टिड्डियों का मंत्र, टिड्डियों को बांधने का मंत्र, और टिड्डियां होंगी भी ना खेत में तो पलायन कर जाएंगी, छोड़ जाएंगे। मैं आपको मंत्र बताता हूँ, पहले देखिए क्या है। ओम नमो आदेश कमक्षा देवी को, अज बांधू वज्र बांधू, बांधू दसो द्वार, लोहे का कोड़ा हनुमान ठोंक, गिरे धरती लागे धाव, सब टिड्डी भस्मी हो जाए, बांधू टिड्डा बांधू नाला, ऊपर ठोकू वज्र कताला, नीचे भैरों किनकिलाए, ऊपर हनुमान गाजे, हमारो सीवों में दाना जल खाते, तो गुरु गोरख नाथ लजावे। ये था टिड्डियों को बांधने का मंत्र, और टिड्डियां यदि होंगी तो पलायन कर जाएंगी। इसका उपयोग आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो किसी भी होली के दिन, ठीक होली के दिन, किसी भी समय बैठ जाएं जब से होली शुरू हो, और एक बार में 10,000 बार जप लें इस मंत्र को, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब इसका प्रयोग करना हो तो थोड़े से चावल ले लें, मुट्ठी भर चावल ले लें हाथ में, और इस मंत्र से उसे 31 बार अभिमंत्रित कर लें, और इन चावलों को थोड़ा थोड़ा करके 1-2 दाने पूरे खेत में फेंक दें। जब आप फेंक रहे हो तो इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, और साथ साथ में खेत के चारों कोनों पर 2 2.5 इंच की कीलें, यानी कुल 8 कीलें लगेंगी, 2-2 कीलें हर कोने पर 2.5 इंच की ठोंक दें, मंत्र उच्चारण चालू रखें, और आप पाएंगे कि खेत से टिड्डियों का नामो निशान मिट गया, और आगे आक्रमण करने का भी डर खत्म हो जाएगा। तो ये था मेरे अन्नदाता भाइयों के लिए, मेरे किसान भाइयों के लिए। इसी प्रकार से हमारे चैनल पे कुछ नया और कुछ प्रभावी काम का आपके लिए आता रहेगा। हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।